रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th का माय मदर एट 66 पोएम फ्लेमिंगो बुक से देखेंगे। पोएम स्टार्ट करने से पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। जो इस पोएम की जो पोएट है वो कमला दास है। कमला दास का जन्म 1934 में केरला में एक जगह है मालाबार, वहां पे हुआ था। इंडिया के बेहतरीन और फेमस पोएट में इनका भी नाम आता है। इनके जो वर्क है वो इनकी ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी और जो एक मिट्टी की जो सुगंध होती है, जो फ्लेवर होता है, उससे परिपूर्ण रहती थी। कमला दास बहुत सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में और मलयालम में उन्होंने पब्लिश कराया और उस समय उनका नाम माधवी कुटी था। कुछ उनके इंग्लिश में वर्क्स हैं, जैसे में एक नॉवेल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो कि 1977 में पब्लिश हुआ, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हैरलॉट और भी बहुत सारे स्टोरी उन्होंने पब्लिश कराया 1992 में। और वो जो 1992 में जो बुक पब्लिश हुआ उसके साथ साथ 5 बुक ऑफ पोएट्री भी पब्लिश हुआ। वो एक बहुत सेंसिटिव राइटर थे और ह्यूमन के रिलेशनशिप के बारे में अपने पोएम में जरूर बताती हैं और वो भी लिरिकल इडियम में। इस लिरिकल इडियम का एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल माय मदर एट 66 ये पोएम है। आइए पोएम का समरी देखते हैं। फर्स्ट जो स्टैंजा है उसका, इस पोएम में जो पोएट है वो अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट के लिए निकल रही होती हैं। उनकी माँ उनके पास बैठी होती हैं। वो 66 इयर्स की होती हैं। जो वृद्ध महिला पोएट की माँ है वो ऊंघ रही थी। उनका मुंह खुला रहता था। उनका जो चेहरा था पीला था और मुरझाया हुआ भी था। जैसे राख होता है उस तरीके का भी कलर देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई शव है। और इस निर्जीव अवस्था को देख के जो पोएट है उनके हृदय में अजब सी हलचल मच रही होती है। उनको बहुत कष्ट हो रहा होता है। जो वृद्ध महिला है वो अपने ही विचारों में खोई हुई प्रतीत हो रही थी। और तभी क्या होता है कि जो कवित्री होती हैं वो अपना ध्यान उनके चेहरे से हटा के बाहर देखना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट स्टंजा देखेंगे, इसमें क्या होता है, जो बाहर का संसार है जीवन से भरपूर है और बहुत सारी गतिविधियों से भरा पड़ा रहता है। जो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जो बच्चे वहां पे रहते हैं अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न दिखाई देते हैं। जब वे हवाई अड्डे पर थे तो उन्हें सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा और यहाँ पे कवित्री जो है अपनी माँ से थोड़े से दूरी पे खड़ी रहती है। वो अपने उन वृद्ध माता को देख रही होती है। ऐसे कंडीशन में देख के जहाँ पे चेहरा उतरा हुआ है, झुरियां पड़ी हुई है, ये देख के बहुत ज्यादा दुखित हो जाती है। कवित्री का जो चेहरा होता है वो बीती हुई शरद ऋतु में चंद्रमा की जैसी दिखाई देता है। ऐसा लग रहा होता है कि लाइफ बिल्कुल है ही नहीं। और ये चीज देखने के बाद यह प्रतीत होता है कि काफी पहले इस चेहरे पे चमक था लेकिन चमक अब उड़ चुका है। और ये चीज देखने के बाद जो कवियत्री है कमला दास, उनकी पुरानी जानी पहचानी जो पीड़ा थी वो जागृत हो जाती है और उनके जो बचपन के भय थे उनके अंदर वो फिर से उन्हें जकड़ लिया। किंतु उन्होंने स्वयं को नियंत्रित किया, वह सामान्य दिखने लगी और उन्हें अलविदा कहते समय उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान भी खेर दी। वह अपने वृद्ध माँ से फिर से मिलने की कामना करती थी। मुख्यतः इस कविता में यह बताया गया है कि समय ढलने के बाद किस तरीके से सजीव चीजें निर्जीव दिखने लगती हैं। इसमें रियलिस्टिक चीजों का वर्णन कमला दास ने किया है कि कैसे एक मनुष्य का जो शरीर होता है किस तरीके से पुराना होता जाता है। कभी उसी इंसान को हम बहुत स्मार्ट और ब्यूटीफुल देखा करते थे और समय ढलने की वजह से उस इंसान की ब्यूटी उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। चेहरे पे झुर्रियां आ गई, शरीर का ताकत खत्म हो गया, डेड बॉडी जैसा प्रतीत होने लगा। ये चीज देखने के बाद कमला दास बहुत ज्यादा दुखित होती है। और फाइनली यहाँ पे आपका ये पोयम समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रेट्रो स्टडीज।